मिस्टर आईपीएल सुरेश रायना, जो कि बहुत टाइम से अच्छे फॉर्म में नहीं है। एंड थोड़े टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आप सभी को उन प्लेयर्स के नाम बताए थे जिनको चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2022 ऑक्शन से पहले रिटेन करेगा। अनडाउटेडली वहां पे सुरेश रायना का नाम नहीं था, बिकॉज सुरेश रायना बिल्कुल अच्छे टच में नहीं है। एंड यू कैन से ये ऑलमोस्ट कन्फर्म है कि चेन्नई सुपर किंग्स सुरेश रायना को रिलीज करने वाला है। अब अगर सुरेश रायना ऑक्शन में जाते हैं तो उन पर कितना बिड लग सकता है, कौन कौन सी टीम इंटरेस्टेड होगी को खरीदने में, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स के लिए। गाइस आईपीएल के वक्त मैंने एमपीएल पर 20 से भी ज्यादा टीम बनाया और पूरे 100,000 जीते, इसलिए इस बार मैं T20 वर्ल्ड कप में भी सिर्फ एमपीएल पर ही टीम बनाने वाला हूं। 20 से ज्यादा टीम बनाऊंगा और लाखों में कमाऊंगा। मैंने ऑलरेडी 19 टीम बना दी है, 20वीं टीम मैं अभी बना के आपको अपने स्क्रीन पे शो कर दूंगा। गाइस एमपीएल पर वर्ल्ड कप में इंडिया के मैचेस वाले दिन आप 2 करोड़ डेली जीत सकते हो और आप 1,000 रुपीज तक का कैशबैक भी पा सकते हो विद मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 35 रुपीज। तो देर मत करो, फटाफट एमपीएल ऐप डाउनलोड करो। और हाँ, आप एमपीएल पे फ्री में खेल के लाखों जीत सकते हो। ये लोग जैसे विनर्स लिस्ट में आए हैं, आप भी आ सकते हो टीम बना के। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एमपीएल डाउनलोड करो और पैसे कमाओ। आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। तो ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म है कि सुरेश रायना हमें ऑक्शन में देखने को मिलेंगे आईपीएल 2022 के। नाउ वो मोस्ट लाइकली कौन सी टीम है जो सुरेश रायना को खरीद सकती है? तो मुझे ऐसा लगता है अगर कोई ऐसी टीम है जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होगी सुरेश रायना को खरीदने में ऑक्शन में, तो वो अनडाउटेडली चेन्नई सुपर किंग्स ही होगा, जिस टीम में ऑलरेडी सुरेश रायना है। बिकॉज देखो, रिटेन इसलिए नहीं कर पाएगा बिकॉज रिटेंशन आपको बहुत लिमिटेड मिल रहा है, लेकिन ऑक्शन में आपको सुरेश रायना बहुत सस्ते में मिल जाएंगे बिकॉज जिस टाइप के फॉर्म में वो हैं, ऐसा तो नहीं होने वाला है कि उन पर 10 करोड़ 12 करोड़ का बिड लग जाएगा। मे बी 5 करोड़ में बोल रहा हूँ ना, वो भी बहुत ज़्यादा है, तो मे बी 3-4 करोड़ में या फिर बेस प्राइस पे ही सोल्ड हो जाए, बिकॉज मेगा ऑक्शन में बहुत सारे प्लेयर्स होंगे। तो चेन्नई सुपर किंग्स को सस्ते में रायना मिल जाएंगे एंड अनडाउटेडली चेन्नई सुपर किंग्स रायना को लेगा, बिकॉज इतने सारे आप प्लेयर्स अपने स्क्वाड में रख सकते हो, तो रायना को ले लिया, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर है, बहुत काम भी आ सकते हैं। चेन्नई हमेशा प्लेयर्स पे बहुत फेथ दिखाता है, तो अनडाउटेडली सबसे पहला नाम यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स का आता है। दूसरा नाम आता है यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का। बैंगलोर को भी मेगा ऑक्शन से पहले अपने बड़े प्लेयर्स को रिलीज करना पड़ेगा एंड वापस से उनको अपना स्क्वाड रीबिल्ड करना पड़ेगा। तो अनडाउटेडली मुझे ऐसा लगता है कि बैंगलोर की टीम सुरेश रायना को टारगेट कर सकती है, बिकॉज बैंगलोर अपने मैचेस चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलता है, उधर रायना मेरे हिसाब से बहुत अच्छे कर सकते हैं, बिकॉज छोटा पिच है वहाँ पे, मतलब हर बल्लेबाज वहाँ पे अच्छा करता है, तो मेरे हिसाब से रायना वहाँ पे अच्छा कर सकते हैं। तो ये चीज़ देखते हुए मे भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर सुरेश रायना को टारगेट करे। इसके बाद यहाँ पे आखिरी नाम आता है अहमदाबाद का। अहमदाबाद जो कि न्यू फ्रेंचाइज आई है एंड पहले भी अहमदाबाद की कप्तानी कर चुके हैं सुरेश रायना, जब 2 साल के लिए चेन्नई राजस्थान बैन हुआ था, पुणे गुजरात आया था, उस टाइम पे गुजरात की कप्तानी की थी, अभी अहमदाबाद आया है। तो मे भी मुझे नहीं लगता है कि एज कैप्टन इनको खरीदा जाएगा, अहमदाबाद प्रोबेबली राहुल या फिर वार्नर को टारगेट करेगा एज कैप्टन, बिकॉज वो ऑक्शन में जाने वाले हैं, 2 बड़े नाम। रायना को मे बी खरीद ले, कैप्टन ना बनाए, खिलाए, तो ये हो सकता है, या फिर मे बी कैप्टन भी बना दे, लेट्स सी। लेकिन अहमदाबाद भी वो टीम हो सकती है जो सुरेश रायना को टारगेट कर सकती है। तो ये वो 3 टीम्स है जो आईपीएल 2022 के ऑक्शन में सुरेश रायना को टारगेट कर सकती है। कमेंट्स में आप किसी और प्लेयर का नाम लिख के बताओ जिसके ऊपर आप चाहते हो मैं ऐसा वीडियो बनाऊं। एंड अगर आपने अभी तक आज के मैच के लिए एमपीएल पर टीम नहीं बनाई है तो जाके बनाओ। और अभी के लिए छोड़ो बस इतना ही, तो अभी के लिए बस ही तोड़ा है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो चलो कमेंट्स में लिखकर बताइए असल क्या कुछ लिखी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे अगली वीडियो बना सकूं, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।